अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं पीसी टेक एंड मोर और मैं हूं समाओ चुगता ही एक नई वीडियो के साथ आप सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि व्हाट्सएप का स्टेटस जो है किस तरह हासिल किया जाता है, खा वो वीडियो हो या पिक्चर हो, उसको किस तरह हासिल किया जाता है, किस तरह उसे हासिल करके अपने स्टेटस पर लगाया जाता है या अपनी गैलरी में सेव किया जाता है। दोस्तों ये आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों आपको जो है ये मैंने डाउनलोड का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि दोस्तों ये डाउनलोड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। दोस्तों व्हाट्सएप का स्टेटस जो है ना हम डाउनलोड नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसे हासिल कर सकेंगे। डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके मोबाइल के अंदर ही मौजूद होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम जो है उसे मुख्तलिफ डाउनलोडिंग ऐप्स इंस्टॉल की होती हैं कि ये व्हाट्सएप का स्टेटस हम डाउनलोड करें। दोस्तों ये सब एक तरह का धोखा है, ये डाउनलोडिंग ऐप्स इंस्टॉल करना। दोस्तों हमारे मोबाइल के अंदर ही स्टेटस मौजूद होते हैं लेकिन ये पता ही नहीं होते हमें। दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि ये अपने मोबाइल से हम किसी का स्टेटस किस तरह हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम उसे अपनी स्टेटस पर लगा सकते हैं, गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस किस तरह हासिल करना है। दोस्तों फाइल मैनेजर प्लस ऐप तो आपने इंस्टॉल की ही होगी, आप हर किसी के मोबाइल में फाइल मैनेजर इंस्टॉल होता है। फाइल मैनेजर जो है ये लाजमी ऐप है क्योंकि हम इसकी वजह से अपने डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज़, ऑडियोज़ और दूसरी चीज़ों को मैनेज करते हैं, इनको एडिट करते हैं, शेयर करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो दोस्तों फाइल मैनेजर जो है ये इसी के साथ हमारा सब कुछ काम होना है आज। तो पहले आपने प्ले स्टोर पे चले जाना है। दोस्तों ये मैंने प्ले स्टोर को ओपन किया। दोस्तों ये थोड़ी सी देर लगेगा ओपन होने में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। दोस्तों आपने जो है ना ये ऊपर सर्च के ऑप्शन में चले जाना है, आपको मैं दिखा दूँ। दोस्तों ये आपका सर्च का ऑप्शन है, दोस्तों इसमें आपने चले जाना है, इस पर क्लिक करना है एक बार। दोस्तों ये क्लिक कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे आपने लिखना है फाइल मैनेजर प्लस, FILE MANAGER। दोस्तों आपने यहाँ से प्लस का बटन डाल देना है। दोस्तों ये प्लस आ गया। दोस्तों आपने इसे सर्च कर देना है। दोस्तों मैं करता हूँ इसे सर्च। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ ऐप्स आ रही है हमारी तरफ। तो दोस्तों ये हमने जो है ना इनमें से आपने कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी है आपको मैं बताता चलूँ। दोस्तों आपने जो है ना ये वाली ऐप इंस्टॉल करनी है। दोस्तों ये ऐप है ये फाइल मैनेजर प्लस, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ऐप है, इसका इंटरफेस भी बहुत बेहतरीन है। दोस्तों ये वाली ऐप इंस्टॉल करनी है, ये आपको बहुत काम आएगी। दोस्तों इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है, इसकी कंपनी का नाम है फाइल मैनेजर प्लस, इसका ऐप का नाम फाइल मैनेजर है और इसकी कंपनी का नाम फाइल मैनेजर प्लस है। तो दोस्तों आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों मैंने क्लिक किया, ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। दोस्तों मैं ये इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों ये इंस्टॉलेशन में थोड़ी देर लेगा, आपने इंस्टॉलेशन का इंतज़ार कर लेना है। दोस्तों ये हमारी डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों इसका साइज बहुत कम है, 5 MB है, सिर्फ 5.20 MB है, मतलब कि 5.5 MB के करीब है, ये 5.5 MB से भी कम। दोस्तों ये इंस्टॉल हो रही है, फ़ौरन से डाउनलोड हो गई है। दोस्तों है भी बहुत अच्छी है और वो इसका साइज़ भी बहुत कम है। दोस्तों ये इंस्टॉल हो जाए तो आगे चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ, चुके हैं चलते हैं अपनी ऐप की तरफ। दोस्तों ये हमारी ऐप आ गई है फाइल मैनेजर प्लस। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये हमारी ऐप फाइल मैनेजर प्लस। दोस्तों इसको हमने ओपन कर लेना है। दोस्तों ये ओपन करते हैं। दोस्तों ये थोड़ी देर लगेगी ओपन होने में, आपने उसके लिए वेट करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले हमसे मीडिया की परमिशन मांग रहा है कि ये आपके मोबाइल का एंड्रॉयड का मीडिया एक्सेस कर सकता है नहीं कर सकता है, ये आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ऑडियोज़ वगैरह को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को एक्सेस कर सकता है नहीं कर सकता है। दोस्तों आपने इसे अलाउ कर देना है, अलाउ करते हैं। दोस्तों अलाउ करते हैं, ये बहुत ही सादा सा इंटरफेस है इसका। दोस्तों इसका इंटरफेस इतना बेहतरीन है कि इसने हर चीज़ का जो है ना अलहदा से सिस्टम किया हुआ है, स्टोरेज का अलग किया हुआ है, SD कार्ड का अलग, डाउनलोड का अलग, इमेज का अलग, ऑडियो वीडियो, दोस्तों हर चीज़ का इसने अलग अलग किया हुआ है और बहुत ही प्यारा इंटरफेस है सिर्फ 5 MB की साइज़ में। दोस्तों इन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म की ऐप बनाई है और बहुत काम किया ऐप है। दोस्तों आगे भी आपको इसके मैं फ़ायदे बताऊँगा, इस ऐप के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों आपने इस ऐप को लाजमी इंस्टॉल कर देना है। फाइल मैनेजर यही आपने इंस्टॉल करनी है, आपने आपके मोबाइल में जो पहले से इंस्टॉल है उसे आपने रिमूव कर देना है।
तो दोस्तों करते हैं ऐसे, आपको क्लोज और चलते हैं व्हाट्सएप की तरफ। मैं आपको दिखाता चलूँगा कौन कौन से स्टेटस हमने डाउनलोड करने हैं। दोस्तों इसको क्लोज़ करते हैं और आपको व्हाट्सएप पे ले चलता हूँ। दोस्तों ये मेरी व्हाट्सएप है, मैंने व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल की हुई है। दोस्तों इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ये थोड़ी देर लगी ओपन होने में, इसे ओपन होने दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी ये व्हाट्सएप बिजनेस ओपन हो चुकी है। दोस्तों हम स्टेटस में चलते हैं। दोस्तों ये स्टेटस हमारे जो हो रहे हैं आपको, दोस्तों ये मैंने जो स्टेटस देखे हुए हैं दोस्तों, इनमें से मैं दो स्टेटस डाउनलोड करना चाहूँगा। दोस्तों पहले नंबर पे ये वाला स्टेटस है, आपको मैं दिखाता चलूँ, वीडियो है कि वीडियो हमने डाउनलोड करनी है। दोस्तों ये वाली वीडियो, दोस्तों ये मैं वीडियो डाउनलोड करना चाहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को मैं दिखाऊँगा कि आपने किस तरह डाउनलोड करनी है। दोस्तों ऐसे बाय करते हैं। और दूसरी दोस्तों एक मैंने पिक्चर आपको डाउनलोड करके दिखानी है। ये है मेरा दोस्त, दोस्तों इसकी ये मैं पिक्चर डाउनलोड करना चाहता हूँ, इसकी पिक्चर मैं हासिल करना चाहता हूँ, यह भी मैं अपनी गैलरी में सेव करना चाहता हूँ, हम इसको भी डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों व्हाट्सएप को क्लोज़ करते हैं और अपनी फाइल मैनेजर प्लस की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये मैं कर दी क्लोज। दोस्तों चलते हैं अपनी फाइल मैनेजर ऐप की तरफ। दोस्तों इसको मैंने ओपन कर लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल मैनेजर प्लस ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। दोस्तों आपने जो है ये मेन स्टोरेज में चले जाना है। दोस्तों मेन स्टोरेज में जाने के बाद दोस्तों ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा एक ऑप्शन, मैं आपको दिखाता चलूँ। दोस्तों ये यूज्ड लिखा हुआ है। दोस्तों आपने इस पर क्लिक करना है, 88% यूज्ड वाले पर, मतलब कि आपकी कितनी स्टोरेज इस्तेमाल हो चुकी है। दोस्तों आपने इस पर क्लिक करना है। दोस्तों ये एनालाइज़ करेगा आपकी स्टोरेज को, थोड़ी आपने इंतज़ार करना है थोड़ी देर। दोस्तों ये एनालाइज़ कर लिया। उसके बाद आपको ये कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये मेन स्टोरेज, लार्ज फाइल्स और कैश फाइल्स दिखा रहा है आपको। दोस्तों आपने इनमें से जो है ना सिर्फ पहले स्टेप में चले जाना है। दोस्तों ये मोर के, दोस्तों आपने ये मोर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हम मोर पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ये आपको मुख्तलिफ फाइल्स खोल के दिखा देगा। ये आपके देख रहे हैं, ये पहले इसने फोटेक्स की दिखाई है, फिर पिक्चर्स, DCIM, स्क्रीन कार्ड्स डाउनलोड और व्हाट्सएप बिजनेस। दोस्तों इस तरह की, दोस्तों आपने जो है ये नीचे व्हाट्सएप बिजनेस जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये वाला, दोस्तों आपने इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। दोस्तों ये व्हाट्सएप बिजनेस को हम ओपन करेंगे। दोस्तों हमने ओपन कर लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे तीन फोल्डर सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, मीडिया, बैकअप्स और डेटाबेस। दोस्तों आपने जो है ना ये ऊपर आपको ये मैं स्केयर से दिखा दूँ, ये थ्री डॉट्स जो है ना दोस्तों राइट कॉर्नर पर, टॉप राइट कॉर्नर पर, दोस्तों आपने इन पर क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये यहाँ पे व्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है दूसरा। दोस्तों आपने ये व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है एक, शो हिडन फाइल्स, दोस्तों ये वाला ऑप्शन। दोस्तों इसके आपने ये चेक मार्क नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर टिक कर देना है। दोस्तों ये चेक मार्क पर मैं टिक करता हूँ। दोस्तों मैंने टिक किया तो ये मुझे पहले जो दो फोल्डर सिर्फ नज़र आ रहे थे, अब ये कुछ ज़्यादा हो गए हैं। तो दोस्तों आपने जो है ना ये पहले फोल्डर में चले जाना है। दोस्तों ये जो हिडन फोल्डर थे, इसने हिडन फाइल्स भी अब दिखा दिए हैं, हिडन फोल्डर भी दिखा दिए हैं। दोस्तों अब हम पहले फोल्डर में चले जाएंगे, ये जो लिखा हुआ है मीडिया का। दोस्तों इसको हमने ओपन कर लेना है मीडिया को। दोस्तों ये ओपन करने के बाद दोस्तों ये आपको पहला इसमें जो है फोल्डर, ये स्टेटस का नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस, इमेज, वॉइस नोट्स, स्टिकर्स। दोस्तों पहला जो है ना हमारा स्टेटस का है। दोस्तों ये स्टेटस को हमने ओपन कर लेना है, स्टेटस के फोल्डर को। दोस्तों ये मैंने स्टेटस के फोल्डर को ओपन कर लिया। दोस्तों इसमें वो सब स्टेटस आ गए जो मैंने देखे हुए हैं, जो मैंने व्हाट्सएप पे जिन जिन दोस्तों के स्टेटस देखे हुए हैं इसमें वो सब स्टेटस आ गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ। दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, ये अपने दोस्त की एक पिक्चर मैं हासिल करना चाहता हूँ। दोस्तों ये पिक्चर आ गई है एक। दोस्तों उसके बाद एक आपको वीडियो दिखाई थी मैंने, दोस्तों ये वाली वीडियो है। दोस्तों ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये वही बंदा है आपको मैंने स्टेटस में दिखाई थी। दोस्तों ये हमने दोस्तों ये अब हमने किस तरह हासिल करने हैं। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों आपको बता दिया मैंने फाइल मैनेजर को इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों ये आपने इनको सेलेक्ट कर लेना है, कि ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली। दोस्तों आपने जो हासिल करना है उन्हें सेलेक्ट कर देना है। दूसरी ये वीडियो मैंने सेलेक्ट कर ली। दोस्तों इनको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको ये नीचे इन्होंने कुछ ऑप्शन शो करा दिए हैं। दोस्तों ये आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं कुछ। दोस्तों ये पाँच ऑप्शन हैं दोस्तों, कॉपी, मूव, रीनेम, डिलीट, मोर। दोस्तों आपने कॉपी कर देना है इनको। दोस्तों कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों कॉपी कर लिया हमने, अब बैक चले जाना है।
बैक चलते जाएंगे दोस्तों। इसके हमने फाइल मैनेजर प्लस के होम बटन में होम में आ जाना है दोस्तों। ये हम होम में आ चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमें मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो रहे हैं दोस्तों। अगर आपने इन वीडियोज़ पिक्चर्स को अगर अपने कार्ड में सेव करना चाहते हैं तो आप कार्ड में जाके इन्हें पेस्ट कर दें। अगर कार्ड में नहीं करना चाहते अपनी गैलरी में करना चाहते हैं, कार्ड में भी करेंगे तो आपको गैलरी में शो होगा। दूसरा ये आपको वीडियोज़ का बटन दिखा रहे हैं दोस्तों। वीडियोज़ में आपने जाके यहीं पे जो है ना कोई अलग फोल्डर बना लेना है या जो पहले बने हुए हैं ये डाउनलोड्स का जैसे है दोस्तों, इनमें भी पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों। इनमें नहीं दोस्तों, हम कार्ड में करते हैं दोस्तों। ये कार्ड में हम आ गए दोस्तों। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, न्यू दोस्तों। ये फोल्डर बना दिया मैंने दोस्तों। इसका नाम मैं स्टेटस रख लेता हूँ, स्टेटसेस दोस्तों। ये मैंने फोल्डर बना लिया, इसका नाम स्टेटसेस रख लिया दोस्तों। ये देख सकते हैं इसमें कोई फाइल नहीं है दोस्तों, आपने इनमें पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों ये हमारे स्टेटस डाउनलोड हो चुके हैं दोस्तों। अब मैं आपको ये गैलरी में चल के दिखाता हूँ कि हमारे स्टेटस जो है ये वहाँ पर शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये मैंने झूठ तो नहीं बोला दोस्तों। चलते हैं अपनी गैलरी में। मेरी गैलरी ओपन हो चुकी है और दोस्तों ये आप देख सकते हैं ऊपर पर ये पहली जो हैं ये आपको मैं दिखाता था इन्हों दोस्तों। ये दो देख सकते हैं ये वही हैं। ये पहली ये एक वीडियो होगी, दूसरी ये पिक्चर होगी दोस्तों जो मैंने डाउनलोड करके वहाँ पे डाली थी। ये हमारी डायरेक्ट गैलरी में आ गई हैं दोस्तों। अब यहाँ से आप जो है अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये वीडियो है दोस्तों, मैंने इसे सेलेक्ट किया दोस्तों। ये ऊपर आपको जो है ना ये शेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है दोस्तों, ये वाला दोस्तों। मैं शेयर पे क्लिक करूँगा। अगर मैं इन्हें व्हाट्सएप का स्टेटस लगाना चाहूँ दोस्तों, ये मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ और दोस्तों इसने जो है अब ये आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ ऑप्शन शो करा दिए नीचे दोस्तों। ये मैं आगे चलता हूँ, ये आपको व्हाट्सएप बिजनेस का ऑप्शन शो हो रहा है दोस्तों। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप अपना स्टेटस लगा सकता हूँ, किसी को सेंड कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी जो स्टेटस हासिल करने का तरीका ये आपको समझ आ ही गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज की दोस्तों मैंने ये आपको व्हाट्सएप का स्टेटस हासिल करने का तरीका इतने आसान तरीके से समझा दिया है दोस्तों। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है दोस्तों। आपने ये अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों लाजमी लाइक कर देना है। अपने वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों, लाजमी लाइक कर दें दोस्तों। दूसरी गुजारिश ये है कि दोस्तों हमारे चैनल को ये इसी टेक एंड मोर को दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइब का आपको बटन नज़र आ रहा है दोस्तों। ये सब्सक्राइब को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आइंदा आप हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारे भी सपोर्ट हो सके। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ये तरीका समझाया, फुल मेहनत की है इस पर दोस्तों। एक एक स्टेप आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया, आसान तरीके से समझाया। तो दोस्तों आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमारी मदद करें, हमारी सपोर्ट करें। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद आपसे एक और गुजारिश है दोस्तों, ये आप यहाँ पर बेल आइकन देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ ये बेल आइकन बनाया है दोस्तों, इसको आपने क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपने दोस्तों ये आल के बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ये देख सकते हैं आपने आल के नोटिफिकेशन पर दोस्तों, ये आपने आल पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ऑल पर क्लिक हो गया ताकि ये आइंदा जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले और हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चल आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।